प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपको मेरे खाने की वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे लास्ट वीक के ऑल मील्स डिनर, कि हमने क्या क्या खाया। क्योंकि हम हमारे दिन में एक ही मील फुल खाते हैं, बाकी या तो हम सैलड खाते हैं, सीरियल, ऐसे हल्का फुल्का ही रखते हैं। तो ये हमारे दिन का एक मेन मील होता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली प्यारी प्यारी वीडियोस को आप मिस नहीं करें। सो मंडे का दिन है आज, हम बनाएंगे अरबी। अरबी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पर इसके साथ मैं मूंगी मसरा की पंजाबी तड़के वाली दाल भी बनाने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड अरबी के बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन नहीं है, पर जब मैं बना लेती हूँ इतना स्वादिष्ट बनती है वो, तो बार बार कहते रहते और दे दो और दे दो। पर एक बार अरबी को देख के ज़रूर से कहेंगे कि तुमने ये क्यों बना दी, पर बहुत स्वादिष्ट बनी थी। इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पर है, सिवॉर कैन कुक। अभी इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी हल्के फुल्के आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। अदरवाइज़ ज़्यादा रेसिपीज़ या तो मेरी कुकिंग चैनल पे है या फिर मेरे मेन चैनल पे है। तो हस्बैंड को खाना परोस के देता, सजा दे बिना हस्बैंड रोटी नहीं खाता। डाल दे थोड़ी फेवरेट है। रोटी मिली 3 दिन हो गए। बहुत झूठ ना मारो, कल तो ही की खादा। ओके प्यारे दोस्तों, फूड रेडी हो गया। हस्बैंड में फुल्का देता, पर वो फुल्का खा रहे आया ही। फुल्का खा के खुश नहीं हुए। कीड़ा दे आया वो घी। दाल, अरबी, अचार, रोटी। So, आज है ट्यूसडे, आज हम पाव भाजी बनाने वाले हैं। एक्चुअली इस दिन मैंने पूरा व्लॉग शूट किया था, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। उसमें रेसिपी भी है एंड एवरीथिंग है, आप वो देख सकते हैं। पाव भाजी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। आज है वेडनेसडे, आज हमने खाई है भिंडी की सब्जी, आलू मटर की सब्जी। आलू मटर की मैं बहुत ज्यादा बड़ी फैन नहीं थी, पर ये आलू मटर इतने स्वादिष्ट बने थे कि ओ माय गॉड, आई लव्ड इट। ऐसे मैं बहुत ज्यादा फैन नहीं हूँ, हस्बैंड को बहुत पसंद है आलू मटर फॉर सम रीजन। Look at cute
सो आज है थर्सडे, आज हम कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते थे। आज मेरी दोस्त के घर में कोई पूजा थी, मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ी तैयार थी। आज मैंने व्लॉग शूट किया था पंजाबी में, मेरे पंजाबी चैनल में मैं अपलोड करूँगी वन डे, आई डोंट नो कब, जल्दी करूँगी। तो आज मैंने बनाया है छोले वाला पुलाव, ये ग्रीन चने का पुलाव है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। एंड जो मेरी पंजाबी का व्लॉग है उसमें मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर की है, सम डेज हिंदी में भी कर दूँगी मैम। सो फ्राइडे का दिन है, आज बनने वाला है वेज लज़ानिया। वेज लज़ानिया की रेसिपी भी है मेरे चैनल पे, आप वेज लज़ानिया से मार करके टाइप करेंगे आपको मिल जाएगी। सो इसके लिए मैंने क्या किया, सारी वेजिटेबल्स मैं ऐड करूँगी। मेरे पास बहुत ज़्यादा वेजिटेबल नहीं थी, मेरे पास मशरूम थी एंड मिक्स वेज का एक फ्रोज़न मिक्स था, लाइक कैरेट है इसमें, कॉर्न है एंड ऑल्सो बीन्स भी है। इसमें मैं वेजीज़ का एक सॉस तैयार करती हूँ जिसमें मैं मैरिनारा सॉस ऐड करूँगी, मशरूम, गार्लिक, इटालियन सीजनिंग एंड एक हम वाइट रू तैयार करेंगे जिसको मैं बटर में कुक कर दी हूँ, देन मिल्क से बनाते हैं उसको। एंड देन पास्ते के शीट्स को मैंने बॉईल कर लिया है, आप रेडी टू बेक भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें बहुत समा जाता है एंड फिर भी ना वो वाला सॉफ्टनेस नहीं आता लज़ानिये में, आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, अब हम लज़ानियों को असेंबल कर लेंगे। एक बड़ा स्पून भर के वेजिटेबल का लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे पास्ता, देन हम ये वाइट सॉस हमने जो बनाया है रू इसको डाल देंगे, देन हम चीज़ डालेंगे, फिर से हम ये लेयर को दोबारा से करेंगे, 3-4 बार लेयर करेंगे जब तक हमारा ये कंटेनर पूरा भर नहीं जाता। एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके बेक कर लेंगे अराउंड 15 मिनट्स एंड फिर फॉइल को उतार के कर लेंगे अराउंड 15 मिनट्स 15-20, टोटल 35 मिनट में ये हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था ये लज़ानिया एंड हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी। एंड इसके साथ मैंने खाया था सीज़र सैलड जस्ट फ्रॉम मेन लैटिस एंड सीज़र ड्रेसिंग एंड सम क्यूकम्बर्स, बहुत स्वादिष्ट था। तो आज हस्बैंड ने डिसाइड किया है कि फायरप्लेस के पास खाएंगे, उनके रिव्यू लेते हैं। बहुत कितना लगा, से इन वर्ड्स, कमाल कर दो, बढ़िया, ज्यादा कमाल कर देने तुम, कई बार ऐसा झूठ ला रहा जरा इतना इतना बोल रहे। यू लाइक इट, इट्स नाइस एंड डिफरेंट, राइट। सो आज है सैटरडे एंड मेरे हस्बैंड को साउथ इंडियन बहुत पसंद है, मैं सांभर भी बनाना चाह रही थी पर मैंने नहीं बनाया, मैंने 2 डिफरेंट किस्म की चटनियाँ बनाई हैं। सो पहली चटनी की रेसिपी भी मेरे कुकिंग चैनल पे है, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। मैंने ऑयल डाला है, उसमें डाला है मैंने मस्टर्ड सीड, जब मस्टर्ड सीड क्रैक होना शुरू होते हैं तो जीरा ऐड कर देंगे, देन अनियन, देन गार्लिक, टमाटर, इसको अच्छी तरह कुक कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह कुक हो जाता है पानी डाल के भी कर सकते हैं। हम करेंगे इसको ग्राइंड, उसके बाद हम इसमें अगेन से तड़का लगाएंगे, गार्लिक डाल सकते हैं आप, रेड चिली डाल सकते हैं, मस्टर्ड सीड, जीरा सीड एंड थोड़ी सी सीजनिंग, कड़ी पत्ता एंड आपने जो ब्लेंड किया है मिक्सचर उसको इसमें डाल दें एंड बहुत स्वादिष्ट चटनी बनती है एंड काफ़ी देर तक आपके फ्रिज में रख सकते हैं ये, क्योंकि ये कुक्ड है।
बनाएंगे कोकोनट की चटनी। मुझे नहीं पता ये साउथ इंडियन स्टाइल है, पर मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी। चना दाल को मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। इसमें हम दही ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच, एंड 2 बड़े चम्मच ही हम कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे। वैसे हम चंक्स यूज़ करते हैं, मेरे पास नहीं थे, तो जो भी है उसी के साथ हम चला लेंगे हमारा काम। और इसमें मैं एक छोटा सा चंक ऐड करूँगी गार्लिक का, एंड ऑल्सो जिंजर, एंड एक हरी मिर्च, क्योंकि जो कल मैंने चटनी बनाई थी वो बहुत स्पाइसी, एंड मैंने सोचा इसको माइल्ड रखते हैं। ये सारे मिक्सचर को हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। देन हम इसकी तड़का तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें दाल है कच्ची है, उसको मैं थोड़ा ज़्यादा कुक करना चाहती हूँ। सो सबसे पहले ऑयल में मैंने ऐड कर लिया है मस्टर्ड सीड, देन हींग ऐड करेंगे, जीरा करेंगे, लाल मिर्ची, एंड ऑल्सो कड़ी पत्ता। उसके बाद हम ये हमारा जो ब्लेंडेड मिक्सचर है उसको ऐड करेंगे, थोड़ा और पानी डाल के इसको कुक कर लेंगे 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद ये आपकी ब्यूटीफुल चटनी तैयार है कोकोनट वाली खाने के लिए। एंड बिकेज मैंने ये सांभर नहीं बनाया, तो मैंने सोचा मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं 4-5, ऑयल ऐड किया है, मस्टर्ड सीड, जब वो क्रैक होंगे जीरा ऐड कर देंगे, जीरा ऐड करके धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता ज़रूर से करें। उसके बाद आलू ऐड करके मिक्स करके मैश कर देंगे, बहुत ही स्वादिष्ट मसाला बन गया था। एंड डोसे के लिए हम रेडी टू यूज़ मिक्स यूज़ करने वाले हैं, जो हमने साउथ इंडियन, नॉट साउथ इंडियन, इंडियन ग्रॉसरी से लिया है। ये लिक्विड ही था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। अच्छे डोसे बन रहे हैं मेरे से, पर ये जो मेरा तवा है काफ़ी ज़्यादा छोटा है। आई विश मेरे पास बड़ा तवा हो, तो मैं बहुत ही प्यारे से डोसे बना पाऊँ। सो यस, हस्बैंड को सर्व कर देते हैं। दोस्तों कल मैंने रात को चटनी बनाई थी, तो हस्बैंड ने ना 15-16 खा ले डोसे। पर पंजाबी ता ही आ, मूली दे 2 परौंठे खाओ, प्लेट हाथ च फड़ के खाओ, जिहड़ा व्याह च खाईदा दिखदे नहीं पे। सर किदा बनया भाई? वाइफ हो तो ऐसी हो, मैंने लगा सारी ही वाइफ से इतना दिया है। मुत्तु स्वामी येड़ो कपाल आई है ना। हाँ सारी है। कई बारी मैंने लगा मैं लकी हूँ, फिर मैं सोचता नहीं यार वाइफ तो इतना ही होंगी। हाँ वो वाइफ तो इतनी होनी है, बेचारियाँ कर दिया ही हैं जिन्ना किसी ने आंदा है सेवा ही कर दिया पति ने। ये तो मिलता ही है भाई, मेरा व्याह तेरे ना होंदा किसी होर ना होंदा। प्यारी डरिया करनी है। नहीं नहीं I'm really lucky, मेरे दोस्त मैंने दस दिया, उन्होंने नहीं कुछ भी मिलता। सो आई अप्रीशिएट, मैं आई एम फुल विद डोसा एंड आई एम फुल विद ग्रेटिट्यूड। सो आज है संडे, पूरी हिम्मत को बहुत अच्छी लगती है, हिम्मत को वैसे चना पूरी अच्छी लगती है, पर मैंने आज आलू वाली पूरी बनाई है। आलू को आज मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल किया है, यूजली मैं माइक्रोवेव में करती हूँ। सो इनको पील करके ये जो मसाला है इसमें सिर्फ टमाटर, जिंजर एंड हरी मिर्च है, इसके बिना कुछ नहीं है। सो बिना अनियन एंड बिना गार्लिक के है। जब ये मसाला अच्छी तरह कुक हो जाता है, इसमें मेरी फेवरेट सीजनिंग ऐड करती हूँ मैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, नमक, हल्दी एंड थोड़ी सी रेड मिर्च एंड थोड़ी सी काली मिर्च। उसके बाद आलूओं को ऐड करके मिक्स करते हुए मैश करेंगे एंड पानी डाल के रस्सा सा लगा लेंगे एंड खूब सारा कुक करेंगे। उसके बाद मैंने बनाया है रायता एंड लच्छे वाले अनियन एंड आलू एंड पूरी, एंड बहुत स्वादिष्ट बना था ये मील। और मेरे पास लेफ्ट ओवर गोभी भी है कल की,
तो गोभी भी पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है। सो ये होने वाला है हमारा संडे का मेन मील, डिलिशियस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बार में अपने प्यारे से कमेंट्स छोड़ें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, एंड प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही नए वीडियो में, अपना ख्याल रखें दोस्तों, आई लव यू गाइस सो वेरी मच, बाय बाय।